नमस्कार, उज्जैन टीवी में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। शहीद समरसता मिशन द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर शहीद वीर सपूतों के परिजनों का सम्मान किया गया। 23 जनवरी की शाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर महाकाल नगरी के बलिदानी बेटों के सम्मान में शौर्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन शहीद समरसता मिशन द्वारा कालिदास अकेडमी में किया गया। कार्यक्रम में रिटायर्ड जनरल बीएस सिसोदिया, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल व डॉक्टर कात्यायन मिश्र ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर शहीद समरसता मिशन के संस्थापक मोहन नारायण सहित सेवारत व पूर्व सैनिक सहित राष्ट्र प्रेमी सम्मिलित हुए। समारोह में राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट प्रकाश माली ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। देशभक्ति से ओतप्रोत इस विरले कार्यक्रम में पहली बार उज्जैन संभाग के सभी शहीदों के परिवारों को एक मंच से सम्मानित किया गया। उस समय पांडाल में उपस्थित हर एक नागरिक इन शहीदों के बलिदान और उनके परिवारों के परम त्याग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए गर्व और भावुकता से उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथ हवा में उठाकर शहीदों के जयकारे लगाने लगा। शहीदों के प्रति सम्मान का यह दृश्य देखते ही बनता था। शहीद समरसता मिशन के युवकों ने गंगाजल से शहीदों की वीर माताओं व वीरांगनाओं का पाद प्रक्षालन किया। वन चेक वन साइन फॉर शहीद अभियान की शुरुआत की। 2 फरवरी 2006 में लद्दाख में शहीद हुए गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार को इस अभियान के माध्यम से जन सहयोग से एकत्रित 15 लाख की सम्मान राशि से सर्व सुविधा युक्त पक्का भवन निर्मित कर भेंट किया जाएगा। शहीदों के परिवारों में शहीद गजेंद्र सुर्वे उज्जैन, शहीद धर्मेंद्र भाई बारिया, शहीद बादल चंदेल नागदा, शहीद दीपक चौहान शिवगढ़, शहीद कन्हैयालाल जाट, शहीद मुकेश चिड़ावत, शहीद नीलेश धाकड़, शहीद लोकेश कुमावत, शहीद राहुल जावदरा, शहीद संदीप यादव, शहीद नीलेश गुप्ता, शहीद सुरेंद्र सिंह ऐनाबाद, शहीद कैलाश राव देवा, शहीद जितेंद्र जलोदिया धतूरिया, शहीद श्रेष्ठ कुमार गांधी, शहीद अरविंद तोमर उज्जैन समेत अन्य शहीदों की वीर माताएं वीरांगनाएं मंच पर उपस्थित रहीं व वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं साझा की। सिर्फ मैं जानती हूँ, लेकिन इस शहादत का महत्व सिर्फ मैं जानती हूँ। पूरी दुनिया मुझे शहीद की वीरांगना कहती है, पूरी दुनिया मुझे शहीद की वीरांगना कहती है। रंग छिन गए मेरे जीवन से, उसका महत्व सिर्फ मैं जानती हूँ। तुम तो देश की रक्षा में शहीद होकर अमर हो गए, लेकिन अब पल पल हर पल में शहीद होती हूँ। सुनो ना, कभी बच्चों की पापा, कभी माँ बाबू जी का बेटा, कभी ननन के लिए भाई पर राखी बंधवानी पड़ती है। मन ना हो तो भी रोते आंखों से भी मुस्कुराना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत अब भी व्रत रखती हूँ, पर फर्क बस इतना है कि चांद नहीं, अब तुम्हारी वर्दी को ही सिर्फ छलनी से देखती हूँ। लेकिन अब मैं पहले से मजबूत हो गई, अब रोती नहीं हर बात में, क्योंकि हम दोनों आज भी बंधे हैं एक डोर से। नागदा ग्रेसिम उद्योग का राग टीला धसा, चोरी करने गए एक मजदूर की हुई मौत, एक हुआ घायल। नागदा में मुक्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप सोमवार दोपहर को एक हादसा हो गया। चंबल नदी के किनारे स्थानीय ग्रेसिम उद्योग की ओर से किए गए राग के ढेर में सोमवार को दो मजदूर दब गए। सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा। लगभग 30 मिनट बाद एक मजदूर को बाहर निकाल लिया गया, जबकि दूसरे मजदूर को काफी मशक्कत करके 3 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। पहले निकाले गए मजदूर का नाम धर्मेंद्र पिता फत्तू निवासी ग्राम उमरान को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। उसके पांव में मामूली चोट आई। वहीं मौत का शिकार हुए मजदूर अजय पिता भारत निवासी ग्राम गिंदवानिया को चिकित्सकों की टीम ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं बचाया जा सका। मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर राख चोरी करने पहुंचे थे। दरअसल शहर के ग्रेसिम उद्योग में उद्योग की ओर से स्वयं की बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस उत्पादन के दौरान जो राख निकलती है, इस राख को ईंट भट्टा संचालक ईंट के निर्माण के लिए उपयोग में लेते हैं। वर्तमान में इस राख का शुल्क 1200 से 1500 रुपए प्रति टन है। कई छोटे ईंट भट्टा संचालक जो उद्योग से राख नहीं खरीद सकते, वह इन्हीं ढेरों में से चोरी छिपे राख निकालने का कार्य कर रहे हैं। सोमवार को भी ईंट भट्टा संचालक भगवान प्रचावत ने अपने दो मजदूरों को राख लेने भेजा। यह मजदूर ढेर के बीच में रास्ता बनाकर राख निकाल रहे थे और हादसा हो गया। दो तालाब शराब दुकान पर रुपए गिन रहे सेल्समैन से झपट्टा मारकर बदमाश ने छीनी 50,000 रुपए की गड्डी। मुनीनगर दो तालाब स्थित शराब दुकान पर कर्मचारी संजय खारवाल सोमवार रात करीब 9 बजे अपने साथी कर्मचारी जीतू भदौरिया के साथ रुपए गिन रहा था। उसी दौरान
एक बदमाश ने खिड़की में हाथ डाला और कर्मचारी से 50,000 रुपए की गड्डी छीनकर वहां से तेजी से भाग निकला। इसके बाद कर्मचारी व जीतू तथा अन्य लोगों ने बदमाश का पीछा किया और उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। बदमाश संतोष मालवीय निवासी शिव परिसर सार्थक नगर शराब लेने के लिए आया था, लेकिन वह कर्मचारी को रुपए गिनते देख उसकी नीयत खराब हो गई और उसने गड्डी छीन ली। थाना माधव नगर पुलिस ने उसके खिलाफ लूट की धारा 392 के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले श्याम मानव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की अखिल भारतीय हिंदू संत महासभा ने। अंधश्रद्धा उन्मूलन के उपाध्यक्ष श्याम मानव सहित कुछ जिहादी मानसिकता के लोग कुछ दिनों से हिंदू विचारधारा वाले संत धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि हिंदू आदि संतों को किसी भी प्रकार से नीचा दिखाया जाए और किसी तरह बदनाम किया जाए। बागेश्वर सरकार द्वारा घर वापसी का अभियान चलाया जा रहा है, उस पर विराम लगाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा संत महासभा जिहादी मानसिकता वाले लोगों की नींव को कमजोर कर देगी और संतों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है उसका विरोध करेगी। अगर श्याम मानव ने बागेश्वर सरकार से माफी नहीं मांगी तो संत महासभा श्याम मानव का मुंह काला करने से पीछे नहीं हटेगी। हम किसी भी परिस्थिति में हिंदू धर्म को बदनाम करने वाली साजिशों को पनपने नहीं देंगे। श्याम मानव के खिलाफ FIR दर्ज हो, इस आशय का एक ज्ञापन अखिल भारतीय हिंदू महासभा संत महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम IG कार्यालय में सौंपा। इस बाबत प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नीलेश आनंद तिवारी व स्वयं प्रभा अनुराधा नागर ने बताया। बागेश्वर वाले महाराज जी के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है और बागेश्वर वाले महाराज जी जो घर वापसी का आयोजन कर रहे हैं, उन लोगों को घर वापसी ला रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो हम आज बागेश्वर वाले महाराज जी के समर्थन में हैं और जो उन्मूलन समिति के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं श्याम मानव जी, उनके खिलाफ में हमने यहाँ प्रकरण दर्ज किया है और हमने मध्य प्रदेश सरकार से मांग की है कि शीघ्र अति शीघ्र यहाँ श्याम मानव की गिरफ्तारी होवे, और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो श्याम मानव का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया जाएगा और जगह जगह शहर में उसके पुतले जलाए जाएंगे। और ये इन्होंने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और साधु संतों का अपमान किया है और हिंदूवादी जो हिंदू है उनको बदनाम करने का प्रयास किया है, इसलिए उनको शीघ्र अति शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं हम। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो श्याम मानव जी ने इल्ज़ाम लगाया है वो निरर्थक है और एक तरह से बकवास ही कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं, वो डिग्गियाँ हाँकते हैं। और जब जब हिंदू गर्जा है ना, तब तब लोगों को तकलीफ हुई है और फिर हम लोगों को उनको अजवाइन देना ज़रूरी है क्योंकि उनका पेट ज़्यादा दुखता है ऐसे में। और ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी भी जब आगे आए हैं तो उनका विरोध हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शास्त्री जी से भी ये कहते हैं कि आप गर्जो, बोलो, हम आपके साथ हैं। हिंदू आगे है, आगे था, आगे रहेगा, हिंदू कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। और जोश में आकर के, तेज में आकर के जब शादी में आदमी डांस कर सकता है, चिल्ला सकता है, क्योंकि उस समय माहौल वो होता है, उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, उनके अंदर अपने राष्ट्र से प्रेम है, और जोश में यदि उन्होंने कुछ कहा भी है कि बुलडोजर खरीद लो, जैसी भी खरीद लो और चढ़ा दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 वर्षों बाद आकाश में हुई अद्भुत खगोलीय घटना, मगर बादलों ने मजा किरकिरा किया। सोमवार शाम एक अनोखी खगोलीय घटना देखने को मिली। इस खगोलीय घटना में चंद्रमा के साथ शुक्र और शनि एक के नीचे एक दिखाई दिए। यह घटना लगभग 30 साल बाद हुई। यह जानकारी देते हुए जीवाजीगंज वैधशाला अधीक्षक राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि सूर्यास्त के बाद यह खगोलीय घटना देखने को मिली, मगर बादल होने के कारण घटना पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई नहीं दी, किंतु शुक्र अधिक चमकीला होने के कारण बादल होने के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं शुक्र के नीचे शनि भी धुंधली अवस्था में दिखाई दे रहा था। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग एक माह में पूरा करता है और पृथ्वी का उपग्रह होने के कारण यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सोमवार को दूज का दिन था, इसलिए चंद्रमा का आकार इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह दिखाई दे रहा था। चंद्रमा शुक्र के साथ शनि की युति लगभग 30 सालों में देखने को मिलती है, क्योंकि शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 30 वर्ष का समय लगता है। आज जो खगोलीय घटना है उसमें चंद्रमा, शुक्र और सबसे सुंदर ग्रह शनि को पास पास रहने की स्थिति, जिसको तकनीकी भाषा में युति बोलते हैं, वो घटना है।
इसमें हम देख रहे हैं कि द्वितीया का चंद्रमा हसीये के आकार का कटा हुआ दिख रहा है, उसी के साइड में अच्छे प्रकार से लट्टू जैसा चमकता शुक्र दिख रहा है। चूँकि बादल हैं तो इस कारण बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे प्रकार से दिख रहा है। और उसी के नीचे शनि है, लेकिन शनि क्योंकि धुंधली स्थिति में है तो बहुत स्पष्ट देखने की स्थिति नहीं बन पा रही है, लेकिन इस घटना को हम अच्छे प्रकार से देख पा रहे हैं। क्योंकि युद्ध की घटना को कभी हम टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं देख सकते, तो जो भी हमारे पर्यटक आ रहे हैं वो विशाला के हम बता रहे हैं कि चंद्रमा कहाँ है, शुक्र कहाँ है, शनि कहाँ पर है, उसको दिखा रहे हैं। और इसीलिए हमने मीडिया के माध्यम से भी ये सबसे अपील की थी कि आप घर पर ही खुले स्थान से देखें तो इस घटना को आप बहुत अच्छी प्रकार से देख पाएंगे। सर, कितने वर्षों बाद ये घटना? हाँ, अगर हम कहें तो ग्रहों की युतियाँ बहुत दुर्लभ रहती हैं, क्योंकि अगर शनि की बात करते हैं तो शनि जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो 30 साल में करता है, तो इसका मतलब है कि अगर वो किसी के पास आएगा तो लगभग 30 साल का अंतराल होगा, तो ग्रहों की युतियाँ दुर्लभ रहती हैं। लेकिन चंद्रमा हम जानते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा वो एक महीने में कर लेता है, तो माह में हमेशा किसी न किसी ग्रह के पास और उसकी युति देखी जा सकती है। लेकिन तीन का संयोग बड़ा दुर्लभ रहता है कि हम चंद्रमा, शुक्र और शनि तीनों को एक साथ देख रहे हैं। छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने चप्पलों से की पिटाई, युवक के खिलाफ माधवनगर थाने में हुआ प्रकरण दर्ज। माधवनगर थाना क्षेत्र से कुछ ही दूर पर दुर्गा प्लाजा के सामने स्थित एक नर्सिंग होम के बाहर एक महिला द्वारा एक युवक को पहले हाथ से फिर चप्पलों से पीटने का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग युवक को महिला से छुड़ाने का प्रयास भी कर रहे हैं। मामले में एएसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि यह मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है। फरियादी महिला ने माधवनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि युवक उसके साथ छेड़छाड़ कर प्रताड़ित करता है। घटना के बाद युवक के खिलाफ केस दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। ये माधवनगर थाना क्षेत्र का मैटर है। कल एक महिला फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट किया कि एक व्यक्ति है जो उनको परेशान करता है, उनसे छेड़छाड़ करता है। तो उसके बाद फिर माधवनगर थाने पे जब रिपोर्ट जब आई थी, इस पे अपराध कायम किया गया। अपराध कायम करके अभी विवेचना में मैटर है। तिरुपति सैफ्रॉन कॉलोनी में बदमाशों ने मचाया उत्पात, नशा कर फोड़े कारों के कांच। तिरुपति सैफ्रॉन कॉलोनी में रात लगभग 3 बजे नशा कर बदमाशों ने मेन रोड पर खड़ी 7 से 8 कारों के कांच फोड़ दिए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि यहां बदमाश आए दिन नशा कर इसी तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, जिस पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं। जब हमने उस समय के सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो क्षेत्र में एक ई रिक्शा घूमती हुई दिखाई दी। देर रात तक यहाँ बदमाश नशाखोरी करते हैं और बेकाबू होने पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस बाबत क्षेत्रीय रहवासी मदनलाल शर्मा और आदित्य उदीवाल ने बताया। ये घटना 2:30 बजे रात को जो है नशे में जो नशेड़ी गुंडे बदमाश हैं, ये इस रोड पे यहाँ से इस सैफ्रॉन कॉलोनी के पूरे रोड पे जितनी गाड़ियाँ खड़ी थी सबके कांच फोड़ दिए। कांच तोड़ तोड़ के ने जो है बदमाशी करते हैं रात को। न पुलिस का कोई जो है पहरा है, न कोई पुलिस आती है, न कोई दिखती है। क्या लगता है आपको यहाँ पे नशाखोरी का भी मामला? बताते हैं कि नशाखोरी भी की जाती है देर रात? क्या हाँ, तो ये देर रात यही करते हैं ना, ये बैठे रहते हैं यहाँ नशाखोरी। बस वो उनका यही काम, किसी की गाड़ी पे पत्थर मारा तो किसी के घर पे पत्थर मारा, तो ये क्या तरीका है क्या शासन का? यहाँ आए दिन बदमाश और ये लोगों नशेवनों का आए दिन उत्पात मचा रहता है। रात में शायद तक 3 बजे की घटना है। असामाजिक तत्वों ने कम से कम मेन रोड की 7-8 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए हैं। तो आपकी ये घटना जो है इसमें कहीं सीसीटीवी में भी नजर आ रही है? सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 3-4 जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसमें एक ई रिक्शा आती हुई दिख रही है। तो दो सीसीटीवी कैमरे के निकाले हैं अपन ने, इसका अभी और आ जाएगा तो उसमें नंबर ट्रेस तो नहीं हो रहा है। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।